अब रेडी होने वाला है धमाका। सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप देख रहे हैं CHOP के व्लॉग्स। तो गाइस, अभी मैं गया हुआ था छोटू को लेने के लिए। विक्रांत आ रहा है पीछे, पता नहीं कहाँ है, उसको भी लेने जाना है। बट पीको आ गया तुरंत। अब इसका एक्शन देखियो, ये एक्टिव हो गया, इसकी चाबी भर दिया ऊपर से। अबे रोने लगा, ओ गाइस पीको रोने लगा यार। अबे रो क्यों रहा तू? ये पूरा टाइट हाथ दबा ले, बट काटता नहीं है बिल्कुल भी। बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई बैन करेंगे रोट व्हीलर पिटबुल को, तो प्लीज गाइस यार देख लो भाई, हमारे घर में रोट व्हीलर डॉग है, कितना प्यारा है, बढ़िया है, बट पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। ओह माय गॉड, पीकू ने व्यू की पोटी खिना दी यार पूरे घर में। ओ उठाई ना गई हो अभी तो कर सका। व्यू कौन आ गई हो? चाचू के पैर तो छू लो। Oh my God! अब व्यू बड़ा हो गया भाई, ना पैर छू लिया अपने चाचू के। पीकू का प्यार अलग है भाई हमारे लिए। इतनी खुशी घर में किसी को नहीं होगी इनके आने की जितनी खुशी पीकू को होगा। ये तुम्हें दिख भी जाता होगा, कोई भी इनका ऐसे लाड नहीं करता, मम्मी भी नहीं करती, जबकि मम्मी के बच्चे हैं ये। बात तो सही है। पीकू के तो बच्चे भी नहीं है, फिर भी पीकू इतना लाड करे इनका। तो है नहीं, हम एकदम तो इसकी नकल बैठे हम घर में। नंगा घूमा है ना, तो इसकी तरफ कैमरा करते हुए भी डर सा लगा है। ये देख लो भाई, दांत के निशान लगा दिए इसने। इसका प्यार है भाई, ऐसे दबाव है ये, बस काटता नहीं। पर भाई काटना आता ही नहीं, तुम्हें सच बताऊं। और गाइस मम्मी का फोन आ गया भाई वापस। ये देख लो मम्मी का फोन ना, छोटू चला रहा था। अरे प्यार तुम क्या जानो, गाइस मम्मी ने अपना फोन इसे दे दिया था जब इसके पास फोन नहीं था। गाइस अभी लगाते हैं भाई अपनी लड़ी, क्योंकि मम्मी ने ना ज्यादा से ज्यादा लड़ी ठीक कर दिया है। हमारे पास ना पूरा डब्बा भरा हुआ था लड़ी का, ये डब्बा भरा हुआ था, एक ये डब्बा भरा हुआ था। 150 तो होगी गाइस, ये थोड़ा डायलॉग मार दिया मम्मी ने, लगभग 50 या 60 लड़ी तो कम से कम होगी। बहुत मेहनती है भाई, स्त्री भी है मम्मी, इंजीनियर भी बन सकती थी। और हमारे नाना इनको पढ़ाते, IIT कराते। आज इसने ना पूरे घर की सफाई कर दिया, मतलब पूरा घर ना क्लीन हो चुका है। अब हमारे घर में से सुगंध आनी शुरू हो जाएगी। और ये देख लो व्यू ने क्या किया, व्यू ने ना ये सारे मसाले एक दूसरे में मिला दिए हैं, तो अभी ना उसके हिसाब की सब्जी बनने वाली है हमारे घर में। फाइनली सारी की सारी लड़ी लगा दी है भाई। ऊपर आ रहे थे हम और यहाँ पे ना पूरा जाल सा बिछ गया है भाई लड़ियों का। इधर भी आगे की तरफ भी लगा दी भाई लड़ी यहाँ पे, लेकिन वहां रह रही है अभी। इधर वाली तो सारी चेक कर लिया है, सारी जल चुकी है। अब इधर की चेक करते हैं भाई, दिवाली पे ना कहीं भी आग लगेगी तो भाई डर लग जाएगा, क्योंकि पहली दिवाली तो हमने मनाई नहीं थी। उससे पहली दिवाली पे ना भाई हमारे घर के सामने वाला वो घर है ना, वहाँ पे पूरी भयंकर वाली आग लग गई थी। तो अब हमारा काम हो गया फिनिश, अब चलते हैं भाई अपनी गंधक पोटास गन को टेस्ट करने के लिए। गाइस अभी हमारे पास ना इतना सारा मसाला है, तो ये सारे का सारा मसाला ना उसके अंदर डाल देंगे और तब टेस्ट करेंगे कितनी भयंकर पटकेगी। और बाकी जो लड़ी है ना वो बाद में लगाएंगे भाई, क्योंकि अभी हमारे पास ना लड़ी भी कम पड़ गई है, नई लानी पड़ेगी मेरे को ऐसा लगता है भाई। पीकू चले घूमने के लिए, आ जा। गाइस मम्मी ने ना भाई ये लड़ी भी सही कर दी यार, वो भी सही कर दी। मुझे ऐसा लगा कि भाई बाहर से कुछ नहीं लाना पड़ेगा, ये ना कल लगाएंगे क्योंकि रात हो गई है अभी। अभी हम टेस्ट करने जा रहे हैं मम्मी। बंदूक का ने अपनी गन ना यहाँ छुपा रखी है भाई। वो एक गन कहाँ गई यार? अरे भाई घर में से चोरी हो गई भाई, कौन ले गया यार? मुझे ऐसा लगा भाई ये हीरो के भाई है ना जो मेरे, वो ले गए। अपनी धनों को चेक करते हैं अब। गाइस अभी सामने से भाग आ गया एक, बिल्कुल जानी दुश्मन है पीकू का। और अभी ना हमें शमशान घाट में जाना पड़ेगा यार, और यहाँ अंदर आने का मतलब भाई तुम लोग जानते ही हो क्या है, और रात का टाइम वैसे हो रहा है, यहाँ ना कोई ऐसे नहीं आ सकता, बिल्कुल नॉर्मल भाई डर का माहौल रहता है इतना। उधर की साइड तो ज्यादा ही डर है, देखो बिल्कुल घना जंगल है यार यहाँ। पीकू तो यहाँ टांग उठा के मुँह उतरा यार। हम ना कभी कभी आवे अंदर शमशान घाट के, क्योंकि कभी इमरजेंसी में, बिल्कुल जब इमरजेंसी हो ना तब आवे, वरना हम कभी भी अंदर आने की कोशिश नहीं करते। आप लोग कमेंट करके बताओ क्या मैं एक दिन रात को यहाँ आके व्लॉग बनाऊं भाई, रात के 12 बजे। तो गाइस फाइनली पहुंच गए नहर पे, अभी हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए नीचे जा रहे हैं हम सीधा। आ जाओ, पीकू का रिएक्शन भी चेक करेंगे क्या होने वाला है जब पटाखा पटकेगा बुडूम। और इस एक्सपेरिमेंट को ना हम ऐसे नहीं करने वाले हैं भाई, इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, इसके अंदर पूरा गंधक पोटास भर देंगे, फुल कर देंगे इसकी नली को, उसके बाद हम इसको रेत में दबा देंगे। हम इसको खुला नहीं टेस्ट करना चाहते हैं, इसको खुला टेस्ट ना कल करेंगे। गाइस अभी हाथों से ही गड्ढा खोद रहा हूँ भाई, गाइस इतना गड्ढा बहुत है यार, इस गड्ढे में ही दबाते हैं भाई अपनी पोटास गन को। हमने अपने साथ पन्नी भी लाए हैं, क्योंकि इसको अंदर दबा देंगे ना फिर पोटास में मिट्टी मिल जाएगी, तो इसलिए ना पन्नी लपेट के तब दबाएंगे इसको अंदर। गाइस इस मसाले को आप अपने किसी भी नजदीकी दुकान से खरीद सकते हैं, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं आपको बताऊंगा कहाँ से मिलेगा ये। गाइस अभी हमने भाई ये ऊपर तक बिल्कुल फुल कर दिया यार, अब इसके ऊपर पन्नी बांध देते हैं।
गाइस पन्नी बांध दी है भाई इस पे, आप देख सकते हैं आप। अब इसको यहाँ दबाते हैं और इसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। गाइस ये हमारा पहला शॉट होने वाला है, तो देखते हैं कितना धमाका करती है, नाल मजबूत है या फिर लोकल है, सारे टेस्ट आपको पता लग जाएंगे। और पीकू को देख लो, कैमरामैन आप थोड़ा पीछे हो जाओ। गाइस अब रेडी होने वाला है धमाका। तो गाइस अभी नाल चेक करते हैं, भाई फटी नहीं फटी। भाई ये देखो नाल बिल्कुल सुरक्षित है यार, नाल नहीं फटी हमारी, धुआं निकल रहा है। गाइस ये देखो, हमने नीचे एक मोबाइल लगाया हुआ था, इसके ऊपर ना रेता लग गया सारा का सारा, लगता है मोबाइल ना चला गया हो यार। अगर मोबाइल खराब हो गया होगा ना तो भाई अपनी तो वाट लग जाएगी यार। अभी तक तो फोन बिल्कुल सुरक्षित है, घर जाके चेक करूंगा भाई सही है नहीं है। गाइस अभी लेके चलते हैं अपनी नाल को घर, क्योंकि एक टेस्ट हो चुका है, यही टेस्ट करना था। फुल नाल भरक की थी, नहीं फटा। और गाइस कल ना धमाका उठा देंगे भाई। पीकू डरा नहीं यार बिल्कुल भी, डरा पीकू? पीकू डरा ही नहीं, जहाँ बैठा था वहीं बैठा रहा नॉर्मल। घर जा रहे थे भाई, रास्ते में मिल गया भाई ये, और ये कह रहा है कि हमारी नाल को ये भी चेक करने वाला है अभी, तो ये कह रहा है मैं इसे चेक करना चाहता हूँ। खड़का कैसा हुआ? बढ़िया मस्त एकदम नंबर वन। गाइस अभी इसके वाली नाल ये है, इसमें फुल भर के देखते हैं फटेगी नहीं फटेगी। और डाल, फुल भर चुकी है इसके वाली नाल भी, अभी ये भी टेस्ट करते हैं। ओ ताऊ वहां से हट जा, चोट लग जाओगी। ओए ये नाल तो ये भी जिंदाबाद है भाई अभी तक। भाई मुझे तो ऐसा लगा सब पे मजबूत मजबूत नाल है, मुझे कोई इंतजाम करना पड़ेगा इसको फाड़ने के लिए। कैसी लगी? तो पीकू कहाँ जाओ भाग के एकदम से, गांव आओगे भाग जाएगी। गली में जितने भी आदमी है सब चेक कर रहे हैं नाल को। क्या बात होगी, टांग टूट गई हमको जिंदा मत छोड़ो साला। यार तो घड़ी भारी है, बारीक बनवा तो बारीक वाली, बारीक वाली वो थोड़ी सी ज्यादा है, आवाज तेज करे इस तरह। आवाज कैसी करे भाई? बढ़िया करे एकदम। घर आते ही मैं जा रहा हूँ भाई पटाखे लेने के लिए दोबारा, रॉकेट वगैरह। ओ भाई पटाखे ले लिया है, रॉकेट लिया है और एक दो ऊपर हवा में उड़ाने के लिए है। और अभी आए हैं भाई पिज्जा खाने के लिए, तो पिज्जा खाते हैं पहले। आज ऑफर था एक पे एक पिज्जा फ्री, तो अभी एक पिज्जा ऑर्डर कर दिया है, घर ले जाएंगे पैक करा के। तुम्हारे लिए पिज्जा लाया पापा मैं, ये डाल की चीज ना खा कर दीद के तावले बैठ जाऊंगे। जो खाने की चीज है घी दूध ये खा करो, एक बार रोक पकड़ गया ना ये डाल की बाहर की चीज खा कर जी पता लग जाएगा तब। पापा कभी कदा खा ले, कभी कदा के ना थारा रोज का काम हो रहा है। पापा रोज का दिखाऊं मैं यार। पिज्जा पिज्जा आ चलेगा चुद्दा कहीं तक। मैं तो यार इतने दिल से लाया पिज्जा, बट ये देख लो आते ही क्या कर दिया मेरे साथ। यार ये देख लो भाई दिवाली का शुभ अवसर है आने वाला है, तो पिज्जा मम्मी जो जहाज बन का उड़े ना ऊपर को हवा में, जिसे नु कह दे देसी में गाल है। अरे तेरी गाल उड़ाइए तू वाली थी। चाबी स्कूटर पे चढ़ गए और चाबी निकाड़ गए और मजे दिखा कर ऊपर आ गए। कोई नहीं आ रहा है पिज्जा खाने के लिए, बट व्यू को देख लो, सबसे पहले सॉस निकाल के बैठ गया ये खाएगा। अभी चाचा के लिए भी लेके चलते हैं भाई पिज्जा नीचे।